नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। जनपद अमेठी से इस वक्त की खबर। एक ही प्रत्याशी के पोस्टर देख पुलिस अधीक्षक भड़के, प्रत्याशी के समर्थकों को लगाई फटकार। संग्रामपुर की ग्राम सभा दौरहरा में बूथ पर बैठक करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आगाह करते हुए बताया है कि मदिरा धन बल गुंडई के बल पर मतदाताओं से वोट नहीं कराना है, बल्कि स्वतंत्र रूप से वोटिंग करने देना है। अगर कोई प्रत्याशी किसी भी मतदाता को धमकाता है तो उस प्रत्याशी पर तत्काल कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाएगा। बैठक के बाद ग्राम सभा दौरहरा की गलियों में लगे एक ही प्रत्याशी के पोस्टर देखकर भड़क गए। उन्होंने गांव की गली गली में जाकर गांव में खलबली मचा दी। उन्होंने प्रत्याशी के समर्थकों को फटकार लगाते हुए पोस्टर उखाड़ने की हिदायत दी। सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगने पर आचार संहिता के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह, क्षेत्र अधिकारी अमेठी अर्पित कपूर, थाना अध्यक्ष संजय प्रेम चंद्र सिंह, उपनिरीक्षक शिव जन्म यादव सहित पूरी पुलिस टीम के साथ ग्राम सभा का भ्रमण किया। बैठक में राजेश सिंह, पूर्व प्रमुख संग्रामपुर आशीष सिंह, प्रधान प्रत्याशी सुभाष सिंह, प्रधान प्रत्याशी दिनेश सिंह, राकेश सिंह, कुछ मतदाता उपस्थित रहे। समाचार रेडियो जेट के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। सामान्य रूप से जितने भी अति संवेदनशील प्लस के रूप में चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर लोगों की बैठक करके लोगों को इस बात के लिए बताते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर किसी ने दुस्साहस किया कि वो बाहुबल का प्रयोग करे या धन शक्ति का प्रयोग करे तो उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और लोगों को आचार संहिता की मर्यादा में रहते हुए चुनाव प्रचार करने के लिए मैंने जागरूक किया और साथ ही साथ गांव में भ्रमण किया, लोगों से वार्ता की। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो और प्रत्येक व्यक्ति निर्भीकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं गांव में आया था।